सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज हम धूप की वादियों में अच्छे से उठ चुके हैं। आज आपके धूप दिखाता हूं, सॉरी। सो गाइस, आज धूप अच्छी सी हो रही है और धूप इतना मतलब ही है ना, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तब तो धूप होती है, इतनी ठंड होती है। मैं जंपर मतलब इतनी मोटी वो पहन के जाता हूँ और वो मतलब जैकेट पहन के जानी पड़ती है। तो अभी मैं चाय पी रहा था, पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी ऊपर नहीं, ठीक है। और आज हम उठ गए थे 9 बजे, उठ गए थे नहीं तो। मम्मी ने बताया था, उठ के पूजा करिए, नहाए थे ना, अपने पहले नहाए थे फिर पूजा करिए, सिद्धा किचन में कड़ी बनाने लग गए। मुझे लगा क्यों बना रहे, अब मम्मी बताना क्यों बना रहे, पूछते हैं क्यों बना रहे। जल्दी आज पापा जल्दी आएंगे ना, कितने बजे आएंगे पापा? पापा का अपना है ना, 12 बजे आएंगे। ये बन रहे हैं हमारे, पहले मैंने कड़ी बनाई थी, फिर मैं सिमर को नहीं लाऊंगी, सिमर को दाल धुलने होते हैं ना। ये क्या बन रहे मम्मी? ये पकौड़े कड्डी, ये आज सिमर करेगा सफाई, मैंने कर दी कर दी। दिखाता था करा से गाइस, मैंने पूरा बेड अच्छे से तो नहीं हुआ, पर सिलवटा हरी अच्छे से कर दिया पूरा, ठीक है। और मैंने चाय भी बनाई थी मम्मी, पर नाओ तो जाता होगा। ओके से गाइस, अभी मम्मी की तो पकौड़े कड़ी बनाएगी, हम टेस्ट टेस्ट करेंगे, फिर पापा आएंगे, फिर दिखाएंगे ना मम्मी। मिलेगा आज, अब मैं नाके मिलूंगा जब आपको दिखाते। ओके गाइस, चलो मिलते हैं आपको बाद में। हाँ, आप भैया को भी दिखा दीजिए, पटकाली मम्मी को दिखा देता हूँ, ये रे भैया। ओके गाइस, मिलते हैं आपको बाद में। देखो गाइस, कल है ईद और ब्रॉडवे पे देखो कितनी भीड़ है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा रश है। यह ब्रोड पे साउथ हॉल, कल ईद है ना, तो इसके लिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। ईद है ना, कल मेला भरा, मैंने पर वो नहीं करा था, मैंने अब दुआया क्या बाबू क्या है यार, हर बार वीडियो बनाते हुए बटर भी दबाते वाला, कहते बोली दबाया से लगे यार, जूते पसंद आ रहे हैं लड़कों को ना। व्लॉग है पब्लिक, बहुत भीड़ है, क्या नहीं है, पब्लिक नहीं है, जूते नहीं है, जूते नहीं है। ये क्या बोले सर, ये अच्छे नहीं है ना, हमें जॉर्डन वन चाहिए। पीछे देखो जाते हैं, अच्छे नहीं है। सो गाइस, मम्मी और पापा जी आ चुके हैं घर अपनी शॉपिंग वगैरह करके, और आज मोस्टली व्लॉग पापा और मम्मी ने बनाया है। ब्रोड़े पे इतनी भीड़ का लीड है ना, तो इतनी भीड़ में लगा रहे सब शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी अपने ईद की है। तो हैप्पी ईद सबको जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड अभी किसी मेरा मुझे शूज़ ऑर्डर कर रहा था, भाई हमें तो पता नहीं कितने सालों के शूज़ लिए, ये पिछले साल लिए थे मैंने जूते, पिछले साल लिए थे बर्थडे पे उसने इस साल में 3 जोड़े जूते ले चुका है। एंड फिर मुझे बोलता है कि मैं बहुत बड़ा शॉपिंग करती हूँ, जबकि मैंने कुछ करा भी नहीं है। और खुद को पता नहीं क्या समझता है, खुद को पता नहीं कौन सा हीरो समझता है, जो ये है नहीं। और ये बहुत, बस मैं क्या बताऊँ, इसका मैं शुरू होगी तो मैं पत्नी होने की, ये बहुत ज़्यादा बुरा लड़का है, आई डोंट लाइक हिम, नो। तो अभी यही शॉपिंग कर रहा था अपने लिए ऑनलाइन, बस और क्या करें हम इसका, कभी कुछ मंगाया कभी कुछ मंगाएगा। पैसे हमें, अगर हम एक चीज़ भी खरीद ले, हम बोलते हैं तुम पैसे वेस्ट कर दी, और एक खुद के लिए देखता नहीं कितने कितने महंगे महंगे कपड़े मंगवाता है। अगर हम एक चीज़ भी ले, एक पाउंड की भी, और हमें बोलता है, और रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएगा अपने लिए, और रोज़ शॉपिंग करते हैं रोज़, जिसका खाने का बना पड़ा है। ये एकदम सच्ची कहानी है, आई एम द एविडेंस, आई एम द सपोर्ट, मैं सपोर्ट करती हूँ स्टेटमेंट को। आपने मेरे सिमर के बारे में कथा सुन ली ही होगी, एंड थोड़ी सी लंबी चल गई, और मैं इससे भी लंबी बना सकती हूँ, बिकॉज ये एंडलेस टॉपिक है बात करने के लिए।
बट उसे हम इग्नोर करते हुए आज का व्लॉग ही एंड करते हैं। होप आपको मज़ा आया होगा एंड सबको ईद मुबारक वंस अगेन। एंजॉयिंग योर फैमिली टाइम और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। होप यू कैन एंजॉय व्लॉग। सी यू गाइस लेटर। बाय बाय। I'm gonna go get some more.